टाटा मोटर्स इंडिया में अपनी पॉपुलर 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी का टाटा हैरियर का अपग्रेडेड वर्जन मतलब नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको इंजन में अपडेट देखने को मिलेंगे, डिजाइन एंड लुक्स में अपडेट मिलेंगे और साथ में इस गाड़ी के इंटीरियर को भी काफी हद तक अपडेट किया गया है और आने वाला टाटा हैरियर का नया मॉडल अपने सेगमेंट में बाकी एसयूवी गाड़ियों को जबरदस्त कंपटीशन देने वाली है। टाटा हैरियर के आने वाले 2020 मॉडल में आपको काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि इस गाड़ी के इंजन को अपग्रेड किया गया है। अब इस गाड़ी में आपको 2.0 लीटर का मल्टी जेट BF6 डीजल इंजन मिलेगा जो कि 170 पास्कल की पावर जनरेट करेगा। पहले इस गाड़ी का इंजन 140 पास्कल की पावर जनरेट किया करता था। टाटा हैरियर का यह नया इंजन 350 न्यूटनमीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला होगा। इस गाड़ी में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन ऐड किया गया है, जिसकी इंडिया में काफी ज्यादा डिमांड की जा रही थी। अब इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल जाया करेगा। बात कर जाए टाटा हैरियर के एक्सटीरियर की, तो टाटा हैरियर के नए मॉडल में आपको कई सारे कॉस्मेटिक अपग्रेड जरूर देखने को मिलेंगे। गाड़ी के लुक को रिफ्रेश किया गया है और इस गाड़ी को काफी हद तक मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है। टाटा हैरियर का प्लेटफॉर्म तो वही रहेगा जो कि काफी यूनिक है और महंगी गाड़ियों में मिलता है। बात कर लें टाटा हैरियर के नए लुक की, तो नई टाटा हैरियर में आपको अपग्रेडेड फ्रंट बम्पर एंड अपग्रेडेड फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी। नई हैरियर के LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है और इसी के साथ नई हैरियर में अपडेटेड आउटसाइड रियर व्यू मिरर, नए मल्टी स्पोक मशीन कट अलॉय व्हील के सेट के साथ साथ इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ के ऑप्शन को भी ऐड किया गया है। पहले हैरियर के पुराने वेरिएंट में आपको सनरूफ भी नहीं मिलती थी, लेकिन आने वाले नए वेरिएंट में आपको सनरूफ भी मिला करेगी। इसी के साथ हैरियर के रियर में टेल लैंप और रियर बम्पर को भी थोड़ा सा रिफ्रेश किया गया है। नई हैरियर के इंटीरियर में भी कैबिन में आपको कई सारे अपग्रेड देखने को मिलेंगे। नई टाटा हैरियर में कई सारे नए प्रीमियम फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जैसे कि अपडेटेड फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंटरफेस सिस्टम जिसमें आपको कई सारे कनेक्टिविटी के फीचर्स मिला करेंगे, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ एंड USB कनेक्टिविटी, फोन कॉलिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेट्रा। गाड़ी के डैशबोर्ड को भी अपग्रेड किया गया है और इस गाड़ी के डैशबोर्ड में अब आपको बिल्कुल नई फिनिश मिला करेगी, जिसके साथ हैरियर का नया इंटीरियर काफी प्रीमियम लगता है। इसी के साथ नई हैरियर के इंटीरियर में आपको 3 स्पोक मल्टी फंक्शनल पावर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट इन फ्रंट एंड रियर, एयरक्राफ्ट स्टाइल हैंड ब्रेक डिजाइन, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट, पावरफुल ऑडियो सिस्टम, पावर विंडोज, कीलेस एंट्री एंड पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, फोल्डेबल आर्मरेस्ट, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट, कोल्ड स्टोरेज ग्लव बॉक्स के साथ साथ और भी कई सारे प्रीमियम फीचर मिला करेंगे। बात कर ले सेफ्टी फीचर्स की, तो हैरियर में आपको कई सारे बेसिक सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में ही मिल जाया करेंगे, जैसे कि ABS के साथ EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर एटसेट्रा, कई सारे फीचर आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिला करेंगे। और इसी के साथ प्रीमियम वेरिएंट्स में मल्टीपल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एटसेट्रा, कई सारे फीचर मिला करेंगे। तो कुल मिलाकर 50 के मामले में टाटा मोटर्स की हैरियर काफी कमाल की गाड़ी होने वाली है और इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी पहले से ही काफी अच्छी है। बात कर जाए कीमत और लॉन्च डेट की, तो कीमत और लॉन्च डेट के बारे में अभी कुछ भी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक नई हैरियर की इंडिया में एक्सपेक्टेड शुरुआती शोरूम कीमत करीब 13 से 15 लाख रुपए के बीच में हो सकती है और ये गाड़ी आपको मार्केट में फरवरी से अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकती है। तो क्या दोस्तों आपको नई टाटा हैरियर का मार्केट में इंतजार रहेगा? कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।